बिहार में इस बार वायरल बुखार का भयंकर प्रकोप देखने को मिल रहा है। पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, भोजपुर, गया, नवादा, औरंगाबाद, गोपालगंज, सिवान, नवादा और नालंदा समेत कई जिलों में लोगों में इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। खासकर बच्चे इससे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। मरीजों को तेज बुखार के साथ उल्टी और पेट दर्द की शिकायतें हैं। इस बीमारी में बुखार के साथ एक और जहाँ उल्टी महसूस हो रही है, वहीं इसका फैलाव अधिक नहीं हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के अस्पतालों को पूरी तैयारी रखने को कहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में राज्य के कई सिविल सर्जनों ने वायरल बुखार के मामले में समीक्षा के दौरान पाया कि कुछ जिलों में इस तरह के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। सिविल सर्जनों ने विभाग को बताया कि सभी जिलों में इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं और ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिलों को कहा है कि अस्पतालों को इसे लेकर के तैयारी रखनी होगी और सभी दवाओं को पर्याप्त मात्रा में रखना है, दवा की किल्लत ना हो और अविलंब इसकी मांग पूरी हो। बच्चों के लिए सदर अस्पतालों में विशेष नवजात इकाई को हर हाल में तैयार रखा जाए, जरूरत हो तो बेड की संख्या भी बढ़ाई जाए। इतना ही नहीं, आपको बतला दें कि संबंधित इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा गया है। बच्चों को किसी भी कीमत पर भूखा नहीं सोने देने का हिदायत दिया गया है। अस्पतालों में इस बीमारी की चपेट में आए मरीजों की उपचार की जा रही है। निचली इकाइयों में अगर चिकित्सकों को लगता है कि वे संबंधित मरीज का उपचार करने में सक्षम नहीं है तो सदर अस्पताल में रेफर करने को कहा गया है। मरीज उपचार के क्रम में बीमारी से जुड़े सभी लक्षण को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वायरल सर्दी, खांसी और बुखार इन दिनों कहर बरपा रहा है। अस्पतालों में इन वायरल बीमारियों से पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।